नमस्कार, मैं सलीम, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज चैनल। जो दिखाता आपको हर खबर, जो लोग हैं उस पर बिल्कुल बेखबर मुद्दे हैं, वो महंगाई, आजकल महंगाई लोगों किस तरह जेब पर असर कर रही है और लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं। देखिए, यहाँ बहुत लोग हैं वाकई बहुत परेशान हैं, महंगाई है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन लोग पूछते हैं कि उनके जेबों पर कितना असर पड़ा है। जैसे मेरे पीछे ठेले वाले खड़े हैं और कुछ पब्लिक खड़ी है, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई जो असर कर रही है। देखिए, ये भाई खड़े हैं, पूछते हैं इनसे कि ये भाई सर, आपकी आपकी जेब पे कितना फर्क पड़ा महंगाई से? बहुत फर्क है भाई साहब। कितना फर्क है? बहुत फर्क है, इतना फर्क है हम आपको बता दें। महंगाई तो हर चीज पे है, दाल पे, आटे पे, देखिए सबके पे महंगाई लग रही है, दाल पे, चीनी पे, आटे पे। और ये सरकार की तरफ, आप सरकार से क्या चाहते हैं? आप सरकार एक कार्ड बनवा रहा था 50 रुपए का, 50 रुपए का कार्ड, उसका नाम आयुष्मान कार्ड, और एक 300 वाला, इतना पैसे आएंगे। आज 700 रुपए के मैंने वो बनवाए जेब से, और पैसे के पैसे सारे बेकार गए, उनमें पैसा एक पैसा नहीं आया। कह रहे पैसे आएंगे, कहाँ है पैसे? ये सरकार है लूट मार। आम आदमी बहुत इस टाइम परेशान है, शिकायतें बहुत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान है। भाई यहाँ खड़े हैं, इनसे भी पता करते हैं कि देखिए, अगर इनसे भाई से पता करते हैं ये क्या इनकी जेब पे कितना असर पड़ा है। ये बताइए कि आपको आपको कितना असर पड़ा जेब पे? नहीं, आप सरकार से क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं महंगाई का? देखिए, हर किसी का मुद्दा यही है कि महंगाई बहुत कंट्रोल की जाए और यहाँ जो मुद्दे हैं लोगों के वो बहुत ज्यादा है। लोगों से और पता करते हैं, जो भाई खड़े हमारे इनसे पता करते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपको किन मुद्दों पर आपको बात करनी चाहिए सरकार से, अपनी अपनी बात किस तरह पहुँचाए जाते हैं? देखिए, लोग बात करने जाते हैं और ये भाई मिले हैं, इनसे बात करते हैं। आप सरकार से आप क्या अपना मैसेज देना चाहते हैं? आपको महंगाई देखो, आटे पे, चावल पे, सभी चीज पे महंगाई दिखाई दे रही है ना, और यहाँ तक कि पब्लिक पे पैसा भरपूर नहीं आ पा रहा है ना। हम तो इतने परेशान है आई, ये जो महंगाई तो हो थोड़ी जरा वो हो जाता है आई ना। हम तो ये चाह रहे हैं ये सरकार बदल जाए, ठीक है? नहीं, बहुत ही ज्यादा महंगाई हो रही है, हर चीज पे महंगाई हो रही है, और हम अपना सामान डाल रहे हैं तो उससे भी ज्यादा महंगाई वो सत्ता ही हो रही है आई, बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। देखिए, हमारा मकसद यही है कि लोग यहाँ हर कोई अपना दुख बयान कर रहा है। और देखिए, आइए मैं यहाँ कुछ लड़के बैठे रहे, ये भी बताएंगे कि इनको किस चीज से महंगाई लग रही है। आप कुछ यहाँ जो आप देखिए, कब से लगा रहे हैं आप ये? 20 साल होता है, 20 साल से यह लगा रहे हैं आपको महंगाई लग रही है? सबसे ज्यादा महंगाई है। क्या मतलब? हर चीज का देखिए, कह रहा है हर चीज से महंगाई लग रही है, लेकिन हर कोई महंगाई से जूझ रहा है। और क्या बताएं, बहुत लोग खड़े हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ सारे जितने भी खड़े लोग हैं, देखिए यहाँ भी है भाई, इन सबसे भी दिखाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ महंगाई का। देखिए, यहाँ भाई बैठे हुए हैं, भाई बैठे दुकान में हम आ चुके हैं भाई से, ठीक है? आपको महंगाई कितनी लग रही, कहाँ लग रही आपको? कोई महंगाई ना, सही है, सब ठीक चल गया। देखिए, पहले इंसान मिले कह रहा है कि महंगाई बिल्कुल नहीं है सर, आम पब्लिक बहुत परेशान है। 150 रुपए मजदूरी थी, 400 रुपए मजदूरी है, 500 रुपए मजदूरी है, इस बात को देखो। आपकी दुकान पर कुछ फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं है, आप पैसे कमा रहे हो। देखिए, इन्होंने कोई शहर पर फर्क नहीं, हर कोई इंसान नहीं होता है, शहर वाले भी है और लोग भी है, पता करते हैं हम हर एक छोटी राय जानेंगे, लोगों से पता करेंगे कि लोग किस तरह से परेशान है, लोग अपना घर कैसे कैसे चलाते हैं पता करते हैं। ये बैठे हैं ताऊ, इनसे पता करते हैं। ताऊ, क्या आपको आपको क्या लगता है कि महंगाई जो देश के अंदर वो कहाँ तक आसमान छू रही है? जी, महंगाई ज्यादा, मजदूर आदमी हम तो बहुत परेशान है। अरे, ये फल बेच रहा है, इसे बहुत महंगाई है, इसे भी महंगाई है, लोग खरीद रहे हैं। अरे,
खरीद रहे हैं। देखिए लोग फल खरीद रहे हैं लेकिन बहुत कम खरीद रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई से जूझ रहा है। लेकिन सरकार से यही लोग अपील कर रहे हैं कि सरकार कुछ कंट्रोल करे महंगाई पे और लोगों से पता करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई मुद्दा असल कितना बड़ा बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं इनको पता करते हैं तो देश के अंदर महंगाई कितनी लग रही है। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, तीन चीजें महंगाई लग रही है आपको ना, इतना सब पे महंगाई है। देखिए हर आदमी का यही एक वह है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, अनाज पर महंगाई है, सब्जियों पर महंगाई है, हर चीज पर महंगाई है, लेकिन लोग हर कोई परेशान है। ये एक भाई और ठेले वाले के इनसे भी पता करते हैं केले का क्या भाव है और केला कहाँ पे महंगा, क्या भाव है केला? 40 रुपए बिक रहा है, 30 रुपए। अच्छा महंगाई कितनी लग रही है? महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। लोग खरीद रहे हैं? कम खरीद रहा हूँ, कम खरीद 30 से 20 रुपए, 30 से 20 होना चाहिए। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना चाहते 20 और 30 केला बिके, 20 और 30 केला बिके, ये चाहते हैं आप? और कुछ चाहते हैं? बस यही चाहते हैं। हर कोई जो मिडिल क्लास लोग हैं वो यही चाहते हैं सरकार से महंगाई कम हो, महंगाई कम हो और परेशानी कम हो। लोग वाकई में सरकार की कुछ चीजों अगर कंट्रोल होगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश लोग आगे बढ़ेंगे, हर आदमी आप कमा सकता है, खा सकता है, बच्चों को अपनी अच्छी एजुकेशन दे सकता है। आज जो बच्चे होते हैं तो लेकिन बहुत परेशान है, हर कोई परेशान है, लेकिन मैं आपके सबका मैं हूँ कि लोग कितने परेशान हैं। लोग ऐसी दुकानों में बैठे हुए हैं, काम बहुत कम है, रोजगार बहुत कम है। अब इसीलिए दुकान है आए तो सब खाली पड़े हुए हैं, लोगों से हम पता भी कर रहे हैं, लोगों से पूछ भी रहे हैं, हर किसी का बस एक ही है ये मतलब कि महंगाई 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 कहाँ तक पहुंच सकते हैं और महंगाई कहाँ कहाँ तोड़ेगी ये भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन क्योंकि यहाँ ऑटो के अंदर बहुत लोग बैठे हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं ऑटो के महंगाई कहाँ तक जा रही है। जी आपको महंगाई जो लग रही है वो किन किन चीजों लग रही है? सबसे समस्या तो ये डीजल की ज्यादा है, सब भरी परेशानी वाहन में टीवी और बिजली की भी। आई यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हुई है, इनसे भी पता कर कि देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है आप किन मुद्दों पर सरकार से अपनी बात रखना चाहती हो? महंगाई तो 25 हो रही है, 25 महंगाई। घर गृहस्थी में कितनी महंगाई पड़ रही है? और बहुत महंगाई पड़ रही है, 300 रुपए और सिलेंडर का 1100-1200। महंगाई तो कुछ पड़ गया, महंगाई पे हर कोई यही परेशान है, जनता बहुत परेशान है, यही कह रही कि बहुत महंगाई है। डीजल गृहस्थी पे भी बहुत ज्यादा महंगाई है और हर आदमी यही कह रहा है, जिससे भी पूछो कि महंगाई है। महंगाई एक लोगों का मुद्दा बन चुका है, बोलने लोग बोल रहे हैं और साथ ये महंगाई जाएगी पता कुछ ये चाहे वो तो हर कोई इस परेशानी से इस महंगाई से जूझ रहा है। और क्योंकि बहुत से लोग हैं क्या कमाते भी हैं, कुछ कम कमाते हैं, कुछ ज्यादा कमाते हैं, लेकिन हर किसी को महंगाई लग रही है, महंगाई लग रही है। ये अब तक जितने लोगों से हमने बात करी है सबको लग रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, आसमान छू रही है, बहुत ज्यादा आसमान छू रही है। लोग देखिए यहाँ कुछ लोग आइए इनसे पता करते हैं, यहाँ साइकिल की दुकान है, यहाँ पता करते हैं और नहीं यहाँ साइकिलें बनती है, लोग खरीदते हैं, आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं लोग आप यहाँ क्या खरीदना है? साइकिल खरीदना है। क्या लगता है आपको महंगाई आसमान छू रही है, ये लोगों की जेब खाली हो रही है, लोग मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लोग बहुत महंगाई काफी महंगाई बढ़ रही है। देखिए दुकान के ऑनर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, इनकी दुकान पर जो साइकिल है उन पर कितना सर कितना फर्क पड़ा है? साइकिल पर तो है तुम्हारे फर्क, रेट भी कुछ ज्यादा ही है और वैरायटी में तो है ही, पहले के मुकाबले साइकिल बहुत बिक रही है, कम बिक रही है, बस मीडियम है, कम ही है। अच्छा वो नहीं मतलब ज्यादा बिके
लेकिन इनके लिए साइकिल जब हम दुकान शोरूम में कह रहे हैं कि साइकिल बहुत कम बिक रही है पहले के। अच्छा कुछ लोग लॉकडाउन से भी टूटे हुए हैं, लॉकडाउन से ठीक कई बार उभरे भी नहीं है। हर आदमी की जेब पे फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है। कुछ जगह बंद रही है, धीरे धीरे जो बढ़ रहे हैं काम भी बढ़ेगा, उसके बाद काम भी बढ़ेगा बहुत ज्यादा। लेकिन मेन मुद्दा वही है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी जूझ रहा है, लेकिन किसी को क्या कह सकते हैं, पेट भरना है। लेकिन पेट के साथ साथ भी इंसान को अपनी थोड़ी राहत, तो इंसान जिएगा कैसे, खाएगा कैसे। जैसे कि महंगाई है, घर गृहस्थी पे महंगाई है, महंगाई है हर किसी को, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो आदमी हो, हर कोई इस मार से मर रहा है। क्योंकि महंगाई, महंगाई जो मार वो बुरा लोग बुरा जेब पे बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, ग्राहक दुकानों पे नहीं है, किस कदर असर पड़ा है इन दुकानों पे, लोगों की जेबों पर। और पता करते हैं, और लोगों से पता करते हैं, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि लोग कहाँ तक अपनी महंगाई रद्द की। जहाँ भाई खड़ा है, यहाँ साहब की दुकान है, यहाँ पता करते हैं किस तरह से यहाँ की दुकान है और यहाँ क्या बिकता है क्या नहीं। जी सर, ये बताइए कि महंगाई का जो मुद्दा है इस वक्त देश के अंदर, क्या लगता है महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है या कम है? महंगाई ठीक है जी, ज्यादा महंगाई भी नहीं, ठीक है, महंगाई तो है अपना, और कम होनी चाहिए। नहीं कम तो होनी होनी चाहिए भाई, मतलब महंगाई कम हो, लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं। हम बस गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही कर रही है, जो लेकिन आम पब्लिक है वो भी बहुत ज्यादा महंगाई में जूझ रही है, उनकी जेब पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है भाई। पब्लिक की बात तो ये, पब्लिक चाहे कितना भी कर लो वो तो हमेशा मतलब कमी तो बसा निकालेगी, कितना भाई मतलब कमी हमेशा रहेगी रहेगी। देखिए सरकार तो बहुत कोशिश कर रही है और सरकार काम भी कर रही है, बहुत ज्यादा सरकार काम भी कर रही है ताकि ये रोजगार मिले और महंगाई कम हो, बहुत कम हो। लेकिन लोगों की अपनी अपनी राय है, लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन सरकार काम कर रही है, सरकार हर तरह काम कर रही है, सरकार अपने देशवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए हर तरह से वो कदम उठा रही है जिन लोगों को फायदा हो, जो लोग तरक्की सकें, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। हमें सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि लोग जो है वो सतर्क रहे और इसी तरह देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस काम के साथ साथ पूरे देश की जिम्मेदारी भी है, देश को संभालना भी है, देश को चलाना भी है। ये बहुत कंट्रोल का हद तक वो महंगाई कम कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि सर ये बताइए क्या लगता है कि महंगाई का जो मुद्दा है वो कितना बड़ा है? अच्छा हमें तो कुछ पता नहीं, यहाँ की तो मालूम नहीं, हम तो बहुत दूर के हैं। कहीं के भी हो, आपकी जेब पे कितना फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा, कुछ बचत भी हो रही नहीं हो रही। बचत का है भाड़ लेकर चला तो रहने डीजल ही, बचत नहीं हो रही, डीजल ज्यादा महंगा पड़ गया। इस बार खेती कैसी हुई? खेती तो बस अच्छा, पता करते हैं हम इस विषय वाले भाई से, ये बताइए कि आप पैसे निकालते हैं, रोड चलाते हैं, क्या लगता है आप दिन भर में कितना कमाते हो आप? बहुत मद्दा चल रहा है, बहुत परेशान है मजदूर, सवारी बिल्कुल भी नहीं मिल रही, बहुत नहीं मिल रही। अच्छा महंगाई भी क्या है आपका? महंगाई तो बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा। अच्छा महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब आपको महंगाई में कौन सी चीज ज्यादा महंगी लग रही है? हमें सब चीज महंगी लग रही है साहब। अच्छा कोई चीज सब्जी लेते हैं वो महंगी लग रही है? देखिए सब चीज महंगी लग रही है, सब्जी लेते हैं वो भी महंगी लगती है, महंगी लग रही है सब चीज लोग, क्योंकि लोग बहुत मिडिल जाति लोग हैं, उन्हें भी कह रहे हैं कि बहुत महंगी लग रही है। लेकिन क्या इस देश की होती है, कोई ज्यादा बोलता है कोई कम बोलता है, लेकिन मैं यही कहूंगा सरकार लोगों के लिए लोग अच्छा भविष्य देने कदम उठा रही है और तरक्की की राह पे चलेंगे और चल भी रहे हैं, क्योंकि हर किसी का एक हर किसी अपनी सोच है, वो अपनी सोच के साथ चलता है, अपने कदम के साथ चलता है,
लेकिन हमारे सभी लोगों से यही गुजारिश है, यही मानना है कि सब लोग देश के साथ खड़े हों, काम करें और देश के अंदर महंगाई है वो कम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से काम कर रहे हैं, पूरी सरकार काम कर रही है, सरकार अपने देश के जो लोग होते हैं उनको अच्छा एक राहत देती है, महंगाई भी बहुत हद तक कम हो रही है और कम होगी, एकदम कोई चीज कम नहीं होती है, एकदम कम बिल्कुल भी नहीं होती है। देखिए दुकानें बिल्कुल जो है खाली पड़ी हुई है, अगर बिल्कुल एक दफे दुकानें खाली पड़ी हुई है, ग्राहक ग्राहक नहीं है बिल्कुल भी, जो ग्राहक नहीं है, एक ताऊ बैठे हैं आप इनसे हम खाने की दुकानें पता करते हैं कि इनके ऊपर कितना महंगाई का असर पड़ा है, क्योंकि आप बिल्कुल भी ग्राहक दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या हाल है सर? ये बताइए ताऊ जी, ये महंगाई जो है आम आदमी की जेब पर कितना असर डाल रही है? सब देखो ये गरीब आदमी हुई जो रही है, असर इतना डाल लिया, गुजर भी होनी मुश्किल, होनी मुश्किल है, हर आदमी परेशान है। आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हो? अब सर सरकार यहाँ क्या सुझाव देगी जनता को, गरीब आदमियों को क्या नहीं देगी, छोटे छोटे तो बहुत ही ज्यादा खिंच गए, ताऊ कहना कि छोटे छोटे तो बहुत क्या सुझाव दे, सरकार खुद इतने समझदार है, सरकार खुद लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, बहुत से दुकानदार है जो ऐसे बिल्कुल बैठे हुए हैं और भीड़ कम है, देखते हैं और पूछते हैं लोगों से और बात करते हैं, लोग कहाँ तक जूझ रहे हैं इसके ऊपर एक मुद्दा बन चुका है, लेकिन ये मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ देखिए कुछ यहाँ कुछ गाड़ियों का काम चल रहा है, पूछते हैं कुछ लोगों से, ऐसा से पूछते हैं। क्या हाल है सर जी? जो महंगाई हो रही है इनके जो मुद्दा है, आप अपनी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? आप ये किसी और से पूछेंगे है? इन्हें पता नहीं कह रहे, किसी और से पूछेंगे, हम पता करते हैं किसी और से, पता करते हैं किसी और से। क्या हाल है सर? सरकार से अपनी बात आप किस तरह पूछना चाहते हैं? महंगाई के ऊपर जो महंगाई के मुद्दे हो रहे हैं, जो घर गृहस्थी है, ट्रेन दर है, तेल है, पेट्रोल है, जो महंगाई है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? यही तो चली रही है, सभी खरीद रहे हैं, जब महंगा है तो महंगा हो ही गया। आप क्या कहना चाहते हैं? सस्ती होनी चाहिए। क्या सस्ती होनी चाहिए? सस्ती सस्ती होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो? सही कह रहा है, महंगाई तो हो ही रही है, हर चीज पे महंगाई है। देखिए सबका सबका यही कहना है कि सस्ती होनी चाहिए, चीजें महंगी हो रही है, हर आदमी महंगाई से जो है ना वो जूझ रहा है, हर किसी जेब पर फर्क पड़ रहा है, जो भी मिल रहा है वो यही कह रहा है कि सस्ती होनी चाहिए। अब वो हर चीज सस्ती, पेट्रोल है, डीजल है, सरकार काम कर रही है इस पर, लोगों को थोड़ा सबर करना चाहिए, लोगों को थोड़ा रुकना चाहिए कि एकदम कोई भी चीज होती नहीं है, धीरे धीरे सारे काम होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन से लोग टूटे हुए हैं, सब टूटे हुए हैं लॉकडाउन से। और देखिए अब बिल्कुल दोस्तों कहीं ग्राहकी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और लोग बिल्कुल सोम शाम की तरह बैठे हुए हैं, दुकानों में कोई नहीं है, और चलते हैं और पूछते हैं कुछ लोगों से और मुद्दों पे, कि मुद्दे और लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पे लोग बात कर सकते हैं, हम उनसे किस किन मुद्दों पर सरकार तक उनकी बात पहुंचा सकते हैं, तो सरकार उन मुद्दों पर काम करेगी, उन मुद्दों पर सरकार काम करेगी, पता करते हैं। जैसे कि अभी हाँ एक दुकान आ चुकी है, इस दुकान में भी हम पता करेंगे, यहाँ मैकेनिक की दुकान है, इससे पता करेंगे कि किन किन चीजों पर बात चलेगी, और जो मुद्दे बने हुए महंगाई के बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, बात करते हैं। जैसे हमारे भाई है, क्या हाल है जी? हाल है बहुत बढ़िया है जी। ये बताइए जो देश के अंदर जो एक मुद्दों का जो माहौल बना हुआ है, जो महंगाई हो रही है, घर गृहस्थी हो रही है, लोगों की जेब पे जो असर पड़ रहा है, वो कितना ज्यादा असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, स्थिति खराब हुई पड़ी है। अच्छा आपको महंगाई कहाँ ना लगती है? सब जगह महंगाई है। किन किन चीजों पे? ये सब जितने भी खाद्य पदार्थ है, और ये सब पेस्टिसाइड है, और ये बहुत सारी चीज है ऐसी। आप सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गई। देखिए ये बुलडोजर आम जनता पे तो चल रहा है, किसी और पे थोड़ी चल रहा है। देखिए बुलडोजर चल रहा है, महंगाई वो आम जनता पे चल रहा है, कि महंगाई बहुत ज्यादा चल रहा है, वो महंगाई पे चल रहा है, कम होना चाहिए, लोगों की राय है। हमने सब लोगों से पता करा, और सब लोगों से
का मुद्दा एक ही है, वह है महंगाई। महंगाई के ऊपर जो बहुत लोग बोले भी है, बहुत लोग हमने राय भी ली है, सभी लोग यही कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। अभी देखो सरकार अपना काम कर रही है, सरकार महंगाई पर कंट्रोल भी करेगी, और लोगों की जो राय है वो बहुत उठ भी है, लोग बता भी रहे हैं, लोग परेशान भी हैं, और लोग जो है वो बस खाली मुद्दा जो है वो महंगाई का ही। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, वो भी कम होनी चाहिए, जो लोगों की जो जेब कम होना चाहिए। हर इंसान परेशान है महंगाई से, मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वो भी महंगाई पे कंट्रोल करे और लोगों के बारे में सोचें, क्योंकि लोग भी बहुत परेशान हो चुके हैं, लोग जुड़ चुके हैं, लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लोगों की जेब पर किस तरह असर पड़ रहा है, जब लोग ही जान सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली ब्रेकिंग न्यूज उसी न्यूज के बाद। धन्यवाद।